अच्छा यार, जैसे आपने रियल नंबर्स में पढ़ा था कि उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, कॉम्प्लेक्स नंबर की इसी तरह दो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है वो आइडेंटिटी, और दूसरी जो है वो जो इनवर्स है उसको हम देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले आप आइडेंटिटी देख लो। जैसे रियल नंबर में आपने आइडेंटिटी देखा था ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आइडेंटिटी उसी टाइप की है। रियल नंबर में आपने देखा था कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो ज़ीरो है, और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो वन है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कुछ इस तरह ही होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो है 0.0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप रियल इमेजनरी दोनों लिख रहे होते हो ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में 0.0 कहने का मतलब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जब ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करोगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर आप ये ऐड कर दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आप कहते हो एडिटिव आइडेंटिटी। और दूसरी क्या होगा इसके अंदर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वो होती है 1.0। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में आपके पास वही नंबर रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हकीकत में देखो ये 1 है। 1 को लिखने का तरीका क्या होता है, 1 को अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो आप 1 को लिख सकते हो 1+0 iota, लिख सकते हो ना 1 को इस तरीके से। तो उसी तरीके से लिखा हुआ है 1+0 iota को यहां पे लिखा हुआ है 1.0। यह स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपको नहीं हो रही होगी, बाकी सबको हो रही होगी, वरना अगर अभी तक ना होती तो सब परेशान कर देते मुझे। आप दोबारा मीटिंग कैंसिल करके ज्वाइन कर लो, शायद बेहतर हो जाए थोड़ा। अच्छा हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एग्जाम्पल के तौर पे आप ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेना, कॉम्प्लेक्स नंबर है 2.3। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देखना, रिजल्ट में आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वही आ रहा होगा, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ा। सर 0.1 किसको डिनोट कर रहा है? नहीं 0.1 नहीं है, 0.1 जो है वो इसको डिनोट करेगा, आयोटा को। आयोटा को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे लिखोगे? आयोटा को इस तरह लिख सकते हो ना, 0+iota। तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखोगे आप 0.1। तो आयोटा को लिखने का तरीका 0.1 होता है, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ। आइडेंटिटी क्या है 1.0, कि अगर आप 1.0 को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह पर आ जाएगा। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर आप 0.0 ऐड करोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यार तुम लोग माइक्रोफोन बंद नहीं करते अपने, समझ नहीं आता मुझे। अब ये आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट था, इसी तरह आप इनवर्स का कॉन्सेप्ट है उस पर भी आ जाओ। बिल्कुल रियल नंबर के पैटर्न के मुताबिक हम चल रहे हैं। रियल नंबर में आपने पढ़ा था कि अगर आपने किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप उस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते थे ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी ये है कि अगर एक नंबर है a, b, a कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? -a, -b। आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों तरफ, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के जो पार्ट है ना, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस से तो आपके पास इनवर्स आ जाएगा। कहने का मतलब अगर आपके पास लिखा हो 2.3, तो 2.3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -2.-3। और अगर दूसरी नोटेशन में लिखा हो कि 1+2 iota लेट कर लो, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -1, -2 iota। बस आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। आंसर पे वही फॉर्मूला लगा देना यार, वो जो फॉर्मूला मैंने मल्टीप्लीकेशन का बताया है ना, AC-BD जो भी वाला फॉर्मूला था, वो ज़रा लगाना, देखना आंसर ये आ रहा होगा। अच्छा तो ये कॉन्सेप्ट बता दिया एडिटिव इनवर्स का, आप मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पे आ जाओ। अगेन वही बात, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर आप इसका निकालना चाह रहे हो a, b का, तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका क्या है? एक फॉर्मूला है जो कि नहायत ही ईजी है, a² + b² - b / a² + b²
कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2.3 और आपसे बोला जाता है सवाल में कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। देखो एडिटिव इनवर्स तो काफी इजी है ना, आप दोनों को माइनस कर दो, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। जैसे 2.3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2 -3। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपने निकालना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें पहली चीज जो है ये ए है, दूसरी चीज जो है ये बी है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए यहां पे है 2, ए स्क्वायर 4 है, बी स्क्वायर 9 है, कॉमा माइनस बी, बी यहां पे 3 है, माइनस से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करो, 2/13 -3/13। तो 2.3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होता है, 2/13 -3/13। ठीक है, समझ आ गया फॉर्मूला किस तरह यूज करना है। इनमें तो मसला नहीं होगा, एडिटिव इनवर्स भी काफी इजी है, नेगेटिव कर देते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की मैंने एग्जांपल दे दी है कि किस तरीके से आप निकालोगे। यहां तक कोई इशू? अब मेरा एक सवाल है, कम ही स्टूडेंट है, अभी 11 स्टूडेंट है ना, चलो पूछते जरा इनसे, देखते हैं कौन जरा जवाब दे सकता है इसका। सवाल ये है कि a, b, ये तो इजी वाला है, फिर हम मुश्किल वाला करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ। जीरो हो जाएगा। कैसे निकाला, a को -1 में ऐड किया होगा, b को -b में ऐड किया होगा, तो 0-0 हो गया होगा, इसी तरह निकाला होगा। अब मुझे जरा इसका आंसर बताओ, और जरा मुझे बताना क्या मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लगाए बगैर इसका आंसर बता सकते हो या नहीं, क्योंकि देखने में लग रहा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो क्या मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला यूज किए बगैर इसका आंसर बता सकते हो कि क्या आएगा? नहीं पता चल रहा। देखो ऊपर जिस स्टूडेंट ने जवाब दिए ना 0.0, उसने कौन सा भी लगाया है कि a को -a में ऐड करो 0, b को -b में ऐड करो 0, तो ये कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है, लेकिन नीचे आगे फंस जाओगे, क्योंकि एडिशन तो आप आसानी से कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे। इस पे कॉन्सेप्ट लगाओ जो आपने रियल नंबर में लगाया था, कि मैंने जब बताया था a, b नहीं आएगा, मैंने आप लोगों को बताया था रियल नंबर में कि अगर एक नंबर को उसके इनवर्स में ऐड करते हो तो रिजल्ट में क्या आती है, आइडेंटिटी आती है। अगर याद हो 2 को -2 में अगर ऐड करोगे तो रिजल्ट में 0 तो आता था, लेकिन 0 क्या होता था, आइडेंटिटी होती थी। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी वैलिड था कि अगर आप 2 को इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में आइडेंटिटी आती थी, यही था ना। अब यहां पर अप्लाई कर लो, इसके अंदर मैंने एडिटिव इनवर्स को ऐड किया तो रिजल्ट में देखो आइडेंटिटी आ रही है, 0.0 आइडेंटिटी है एक। इसी तरह इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मैं इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मैंने 2 को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही इस a, b को इसके मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। और कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी क्या होती है, 1.0। तो ये एक MCQ था जो मैंने आप लोगों को समझाया है। इस पे अगर आप मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे आंसर तब भी 1.0 आ रहा होगा, करके देख लेना। लेकिन आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब आप एक नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में हमेशा आइडेंटिटी आती है, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1.0 होता है। मेरे ख्याल में काफी डिटेल में मैंने ये बात समझा दी है, सही है। तो ये इसका टॉपिक कंप्लीट हो गया, कोई सवाल है तो पूछ लो यहाँ तक। अच्छा क्लास हम 10-15 मिनट और ही रहेंगे क्योंकि आप लोग काफ़ी पक गए होंगे। एक टॉपिक है डिमोर्गन थ्योरम जो आप लोगों के सिंध बोर्ड में नहीं है, पंजाब बोर्ड का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं उसको हल्का फुल्का पढ़ा दूंगा, फ़ायदा होगा थोड़ा आपको उसका, तो वो इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो 2-3 टॉपिक रह गए ना उनको हम देख लेते हैं।
देखो अभी तक आपने जितनी भी गुफ्तगू की है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने बस देखा है, आपने उसको ग्राफ में नहीं देखा कि ग्राफ में कैसा लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने एक डायग्राम यूज करते हैं, उसको आप कहते हो आर्यन डायग्राम। और शायद आपने नाम पहली दफा सुना हो, इसको आर्यन डायग्राम भी बोलते हैं और आर्गन डायग्राम भी बोलते हैं। जी साइलेंट भी होता है, जी नहीं भी होता, खैर देख लेना गूगल पे। ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने नाम नहीं सुना होगा, आपकी बुक में मौजूद है। आर्यन डायग्राम इसलिए होती है कि जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करना है, क्योंकि रियल नंबर के लिए आप कार्टेशियन प्लेन यूज कर रहे होते हो, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन यूज करना पड़ता है, जिसका नाम क्या है, आर्यन डायग्राम। इसमें होता क्या है, बिल्कुल वैसे ही है, बस नाम अलग होते हैं। होता यह है कि इसमें जो एक्स एक्सिस है ना, वो होता है रियल एक्सिस, उस पर आप रियल पार्ट को ड्रॉ करते हो, ये रियल एक्सिस होता है। और जो वाई एक्सिस है वो होता है इमेजनरी एक्सिस, बस ये फर्क है। एक्स एक्सिस पे आप रियल पार्ट को ड्रॉ करोगे, वाई एक्सिस पे आप इमेजनरी पार्ट को ड्रॉ करोगे। फिर वही बात ई कैट की बुक के लिए, यार मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ग्रुप पे पूछ लेना, ग्रुप पे कोई स्टूडेंट आपको रिकमेंड कर देगा, जो जो मैंने बात बताई भी है ना, ग्रुप पे सवाल कर लेना, कोई ना कोई जवाब दे देगा, बहुत दफा मैंने बात बताई है। अच्छा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट से आपने ड्रॉ करना है कंसीडर। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो एक नोटेशन होती है ये वाली, कि एक जेड लिखा हुआ है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा आपको, वो आपसे पूछेंगे आर ई जेड, इसका मतलब क्या है। आर ई जेड का मतलब होता है वो आपसे रियल पार्ट पूछ रहे हैं, कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, तो आप बोलोगे ए। और अगर वो इस तरह पूछें आई एम जेड, तो इसका मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि इमेजनरी पार्ट बताओ, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट क्या है, बी के बराबर। तो ये नोटेशन होती है, इसको जहन में रखना, आर ई जेड और आई एम जेड, इसके मतलब आपको आने चाहिए। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करते हैं, लेट कर लो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू वन प्लस थ्री आयोटा, कंसिडर कर लो इसको ड्रॉ करना है। तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, रियल पार्ट क्या है, वन के बराबर है, इमेजनरी पार्ट थ्री के बराबर है। तो आप x एक्सिस पे वन यूनिट मार्क कर लो और y एक्सिस पे थ्री यूनिट, ठीक है। तो ये वन है, ये थ्री है, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है ये क्या है, वन कॉमा थ्री। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए ये वन कॉमा थ्री वो नहीं है जो आप लोग चैप्टर टू थ्री में पढ़ते हुए आ रहे हो, यहाँ पे वन कॉमा थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका जो रियल पार्ट है वो आपने रियल एक्सिस पे ड्रॉ किया, जो मतलब x एक्सिस पे, और जो इमेजनरी पार्ट है वो आपने y एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया। तो ये इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ कर सकते हो। अब ऑब्वियसली ड्रॉ करना तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताने थे ना, वो डायग्राम से रिलेटेड थे। और उसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्जुगेट का। आपने बहुत दफा नाम सुना होगा, तो ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, जरा इसको समझ लो। कॉन्जुगेट में होता है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चेंज कर देते हो, जैसे अगर सॉरी इमेजनरी पार्ट का साइन। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट के लिए आप ऊपर एक बार लगाते हो, कॉन्जुगेट ये होगा कि जो इमेजनरी पार्ट है ना उसका साइन चेंज करोगे। अच्छा मैंने हरगिज़ से बात नहीं बोली कि दरमियान वाला साइन चेंज करोगे, उसकी रीजन ये है कि कभी कॉम्प्लेक्स नंबर उल्टा आ जाता है। लेट को इस तरह लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होती है कि पहले आप रियल बताओ लिखो और फिर इमेजनरी लिखो, लेकिन अगर इस तरह आ जाएगा तो स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो दरमियान इसका कॉन्जुगेट इस तरह निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने याद किया होता है कि दरमियान का साइन चेंज करना है। तो दरमियान का साइन चेंज नहीं करना होता, जो इमेजनरी पार्ट होता है ना उसका साइन चेंज करना होता है। चाहे वो इमेजनरी पार्ट इधर आया हुआ है तो आप इधर साइन चेंज कर दो, अगर इमेजनरी पार्ट बाद में लिखा हुआ है तो फिर उसका वहां साइन चेंज कर दो, बस इमेजनरी पार्ट का आपने साइन चेंज करना होता है। तो ये सिंपल कॉन्जुगेट है, इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। असल चीज है कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट क्या करता है, उसको छोड़ो पहले मॉडुलस पे आ जाओ। ये कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा होगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, इसका मॉडुलस क्या होता है, पहली बात रिप्रेजेंट आप इस तरह करते हो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर था वन प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा वन माइनस थ्री आयोटा, और इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन। तो 1 प्लस 9 10, रूट 10 जो है वो इसका मॉडुलस हो जाएगा। तो ये तरीके तो मेरे ख्याल में आप लोगों को पहले भी आते होंगे कॉन्जुगेट मॉडुलस निकालने के।
अब आप ये देख लो कि ग्राफ पे ये दोनों चीजें रिप्रेजेंट किस चीज को करती हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको आप ओरिजिन से कनेक्ट कर दो। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे होगा, ये पॉइंट यहां पे है, ओरिजिन यहां पे, तो कुछ ना कुछ इस लाइन का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ओरिजिन से जितना दूर है ना, वो आपको बताता है मॉडुलस। जो मॉडुलस की वैल्यू होती है ना, वो बेसिकली आपको बताती है कि आपका पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है। जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर क्या आ रहा था, रूट टेन। तो ये रूट टेन का मतलब क्या है, रूट टेन का मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से रूट टेन के डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। तो जो मॉडुलस के आंसर में आपके पास कोई नंबर आता है ना, वो बेसिकली नंबर क्या होता है, वो नंबर आपको डिस्टेंस बताता है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दूर है आपके ओरिजिन से। ये तो आपने मॉडुलस देख लिया। अब कॉन्जुगेट किस तरह ड्रॉ होता है, अगर आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपने इस तरह ड्रॉ किया है, तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालोगे ना, तो वो इस तरह ड्रॉ होगा। एग्जैक्ट ये समझ लो मिरर इमेज है। अगर आपने इस एक्स एक्सिस के ऊपर एक शीशा रख दो ना मिरर, तो जो ऊपर है सेम उसकी इमेज नीचे आ रही होगी। तो तभी हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो बेसिकली रिफ्लेक्शन होती है एक्स एक्सिस के अबाउट। के लेट कर लो एक्स एक्सिस एक मिरर है, जो ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट जो है वो एज इट इज नीचे बन जाएगा। आप ड्रॉ करके देख लेना, इसका कॉन्जुगेट होगा 1, -3। तो 1, -3 के यहीं पे आ रहा होगा, ये पॉइंट 1 है और नीचे वाला 3 हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट बेसिकली जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करवा दो, दैट्स इट, आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट ग्राफ पे ये चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो रिफ्लेक्शन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की अबाउट एक्स एक्सिस, और मॉडुलस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितना दूर है। इसमें बता रहा था 3i+4 में कि अगर ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए और आपसे बोला जाए कि इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो आपने ये दरमियान वाला साइन चेंज नहीं करना, जो इमेजनरी के साथ पॉजिटिव का साइन है ना उसको चेंज करना, उसको नेगेटिव कर देना। क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब ये नहीं होता कि दरमियान का साइन चेंज करना है, कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो इमेजनरी पार्ट है ना, या इमेजनरी नंबर कह लो, उसका साइन चेंज करना होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा यार, मेरे ख्याल में आज की क्लास इतनी रखते हैं, क्योंकि एक तो मैं पक गया हूँ, बहुत बोलना पड़ा है मुझे आजकल तुम लोगों, मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर तुम लोगों की बहुत वीक है। हालांकि कल मैं बेसिक सेट पढ़ा रहा था, उसके अंदर तुम लोगों को इतना इशू हो रहा था, आज मैं बोल के गला खुश हो गया मेरा, और वैसे भी टाइम मेरे ख्याल में हो गया। तो इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करते हैं, तकरीबन आधे घंटे का चैप्टर रह गया ये। क्या है, क्या हुआ है कॉन्जुगेट मॉडुलस को, आधा सवाल पूछे चले गए। हाँ फॉर्मूला कह लो यार, मतलब कोई ऐसे फॉर्मूला तो नहीं है, कह लो फॉर्म, जनरल फॉर्म कह लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट इस तरह हो जाएगा, और मॉडुलस में आप क्या करते हो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो फॉर्मूला कह लो आप इसको।